नमस्कार, मैं नेहा दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जिला भिंड में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें खिजर मोहम्मद कुरैसी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा की जा रही है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की हो रही बर्बादी को लेकर आवाज़ बुलंद कर प्रदेश सरकार की भारतीय जनता पार्टी की खनिज की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके, जिसके लिए नदी बचाओ सत्याग्रह पद यात्रा 5 सितंबर से 11 सितंबर तक देश के प्रख्यात विद्यमान वरिष्ठ नेताओं की इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी, जिसमें करीब 7 दिवस के कार्यक्रम में पद यात्रा की शुरुआत लहर के स्टेडियम से शुरू हो रही है। इस यात्रा में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता अपनी अपनी उपस्थिति देंगे। पदयात्रा का उद्देश्य है अवैध उत्खनन पर अंकुश लगे, खून खराबा बंद हो, नदियों को लूटने एवं पर्यावरण को टूटने से बचाया जा सके। इस पदयात्रा का नेतृत्व डॉक्टर गोविंद सिंह लहर विधायक पूर्व कांग्रेस पार्टी कैबिनेट मंत्री करेंगे। इमरान खान की रिपोर्ट ब्यूरो। लगभग खत्म सी होती जा रही है, उन्हें अगर बचाना है, हरे भरे जंगल देखना है, पर्यावरण को सुधारना है तो नदियों को बचाना पड़ेगा। तो आने वाले ये निरंतर जो पदयात्रा है आपकी, हाँ, करीबन 12 दिन की, 7 दिन की पदयात्रा है ये भी, पहले चरण में ये 7 दिन की पदयात्रा है भिंड जिले में और दतिया सेवड़ा जिले में, सेवड़ा में ये जो 7 दिवसीय यात्रा है पदयात्रा, हजारों लोग इसमें शामिल होंगे और ये एक सफल आंदोलन के रूप में शुरुआत है और इसके दूसरे चरण में चुनाव के बाद दूसरे चरण में हम लोग तय करेंगे बैठ के, और इसमें हम राजनीति के अकेला राजनीति लेकर नहीं चलना चाहते, इसमें हम किसान की, नदियों से प्रेम करने वालों की, खनिज को बचाने वालों की, अच्छे लोगों की शिरकत इसके अंदर बढ़ेगी और एक ये जन आंदोलन हमेशा चलने वाला चंबल घाटी मशहूर रही है। इसकी 9 नदी है, इसकी सबसे बड़ी समाज को उपकृत करती रही हैं, उन नदियों को बचाने के लिए ये विराट आंदोलन शुरू किया गया है और इसके अच्छे सुखद परिणाम आएंगे। करीबन कितने लोगों की इसमें आमद होगी, यहाँ कितने लोग आएंगे? गिनती अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम जो समझो कि आप रैली 500 से ऊपर लोग तो रहना ही है, अलग अलग हर क्षेत्र के आने की भी इसमें संभावनाएं लग नजर आ रही हैं। कंप्यूटर बाबा का भी यहां। कंप्यूटर बाबा भी आ रहे हैं, मैंने जो हम आपको बता चुके कांग्रेस पार्टी बी राजगोपाल, राजेंद्र सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, आपके नेता प्रतिपक्ष मैंने, और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के मोहन प्रकाश जी आ रहे हैं इसके अंदर, सारे लोग और विवेक तनखा सांसद उनकी भागीदारी हो रही है इसके अंदर, और जिसको पता चल रहा है वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने आप टेलीफोन करके शिरकत होने के लिए कह रहे हैं कि हम भाई जरूर आएंगे। तो मतलब जो एक ये जो कार्यक्रम नदी बचाओ अभियान जो शुरुआत हो रही है, विधायक माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के उस भूमि स्थल से शुरू होगी और ये बिल्कुल विराम रेत पर लगाने के लिए रखा गया है ये कार्यक्रम, या फिर नदी बचाने के लिए? नदियाँ बचाएंगे जी, पहाड़ बचाएंगे, जंगल बचाएंगे, ये आंदोलन लगातार चलने वाला है। हम जब पानी बचाएंगे और ये धरती का सीना फाड़ के बम्बार्डमेंट कर करके जो पहाड़ों को उड़ाया जा रहा है, प्राकृतिक जो नियम जो है और जो सौंदर्य है, पर्यावरण काय के ऊपर डिपेंड है? पर्यावरण इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जी जी। जब पानी नहीं होगा तो हम और आप सारे लोग कितने प्रभावित होने वाले हैं, ये सारे लोगों की सुविधा के लिए आंदोलन है। जो इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के नेता भी आ रहे हैं, आपका ये कार्यक्रम नदी बचाओ अभियान रेत पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है तो क्या कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी जनता को लेके इस आंदोलन को जारी रखेगी। हम रेत को रोकेंगे, हम पहाड़ों को टूटने से रोकेंगे, हम अवैध खनिज को रोकेंगे, हम जंगल बचाने का काम करेंगे, हम मशीनों से लिपटने का काम करेंगे, हम पनडुब्बियों को रोकने का काम करेंगे, हम जो आधुनिक मशीनों से
नदियों को चीरा जा रहा है, पाताल में पनडुब्बियों से खींचा जा रहा है, हम उस स्थल पर जाके ये आंदोलन कई चरणों में कई रूपों में सामने आएगा। हम इनके हजारों डंपर बाहर जाने से रोकेंगे, रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा जी।